बाड़मेर जिले के बूट राठौरान में प्रताप सिंह राजपुरोहित की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उसके परिजन और समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरनार्थियों ने प्रताप सिंह राजपुरोहित की हत्या उसके ही पड़ोसियों द्वारा करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को धरने पर राजपुरोहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के बूट राठौड़ान में प्रताप सिंह राजपुरोहित की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उसके परिजन और समाज के लोग पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों का कहना है कि प्रताप सिंह राजपुरोहित की हत्या उसी के पड़ोसियों द्वारा कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में आश्वासन के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने घटना के 3 माह बाद भी किसी भी प्रकार की जाँच नहीं होने पर रोष जाहिर करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल चौटन क्षेत्र के बूट राठौड़ान गांव में 1 जुलाई को प्रताप सिंह राजपुरोहित का पानी की डिग्गी में शव मिला था, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। न्याय की मांग व घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर चल रहा धरना मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। राजपुरोहित महासभा के प्रदेश महामंत्री भूट सिंह लंगेरा ने बताया कि घटना के 3 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजपुरोहित महासभा के जिलाध्यक्ष खुमान सिंह बोतिया ने कहा कि न्याय नहीं मिलने तक हमारी जंग जारी रहेगी। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य कुमार सिंह लंगेरा, श्रवण सिंह लंगेरा ने कहा कि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पिछली 19 तारीख से धरने पर बैठे, आज 8वां दिन है। प्रशासन ने आज तक कोई हमारी सुध नहीं ली है, आज तक कोई सपरासी हमें कोई पूछने तक नहीं आया है। रही बात मामले की, तो मामला सभी को पता है। पिछली 1 जुलाई को प्रताप सिंह राजपुरोहित की चौटन के बूट गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। पड़ोसी के खेत के पानी की डिग्गी में लाश मिली थी। उसे लेकर के देखिए साहब, हमने आज तक न तो कोई करोड़ों रुपए का मुआवजा मांगा है, न हमने आज तक सरकारी नौकरियां मांगी है, और ना ही हमने किसी पर अनावश्यक गिरफ्तारियों की डिमांड करी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 महीने से सिर्फ न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें जो भी है जाँच करके, निष्पक्ष जाँच करके सच्चाई सामने रखे। अब आरोपी पड़ोसी है, पुलिस दबाव में नहीं होती तो जांच कर लेती, पूछताछ कर लेती। हमने देखी, हमारी अगर कोई अनावश्यक मांग होती ना तो भी समझ सकते थे कि अनावश्यक मांगें पूरी नहीं करी जाती। हमारी कोई मांग ही नहीं है साहब, हमने तो अनावश्यक गिरफ्तारी की भी मांग नहीं करी है। हमने तो यही तो बोला है कि आप आरोपियों से पूछताछ करके सच्चाई सामने रखो। उसके बावजूद पूछताछ नहीं कर रही है, इसका रीजन साफ है कि हत्यारे कौन है वो भी पुलिस को पता है, मर्डर हुआ है वो भी पुलिस को पता है, लेकिन सब मामला सेटलमेंट हुआ है इसलिए वो पूछताछ नहीं कर रही है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर आहत मृतक के पुत्र हीर सिंह और वीर सिंह ने इच्छा मृत्यु की मांग की। वहीं मंगलवार को धरने पर बैठे राजपुरोहित समाज के लोगों ने जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान शंभू सिंह, पारस सिंह, तेज सिंह, उदय सिंह, पुरुषोत्तम सिंह बोथिया, भूर सिंह बोथिया, मंगल सिंह आटी, नगद सिंह रामसर, कमल सिंह जुड़िया समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।